2014 में बरवाला कांड हुआ था, इस हरियाणा सरकार ने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था 2014 के अंदर जो बरवाला कांड हुआ था, हमारे ऊपर इतने घोर अन्याय किए, हमारे ऊपर इतनी ज्यादा फोर्स लेकर के एक संत को पकड़ने के लिए आगे दुनिया जानती है कि 45-40 हजार फोर्स एक संत को पकड़ने के लिए विचार कर सकता है समाज भी, और एक संत को पकड़ने की इतनी भारी तादाद उस फोर्स को यूज किया, वो पैसे खर्च हुए, वो सरकार के पैसे, यानी हम आम जनता का पैसा होता है सरकार इनको देती है, वो सब दुरुपयोग कर दिया एक संत को पकड़ने के लिए, जिस संत का कोई दोष नहीं। अरे हम वहाँ अपने अपने मंदिर में अपने आश्रम में पूजा भाव से बैठे हुए अपनी भक्ति कर रहे हैं और आप हमें अटैक कर रहे हो। आप कहते हो संत रामपाल जी महाराज ने अगर कोई काम किया है तो भाई कोर्ट है, जब आप ये कहते हो कि भाई कभी वो वहाँ गए नहीं, तो हर केस पे संत रामपाल जी महाराज अपने केसों की सुनवाई में गए हैं और जो दादागिरी की है, सीधे सीधे तौर पर कह सकता हूँ मैं कि ये जो हमारे जो जज थे उन्होंने ठोक कर कह दिया था कि भाई संत रामपाल जी महाराज को पेश करो। जब 5 डॉक्टरों की कमेटी बन के आई थी और डॉक्टरों का पैनल आया था, उन्होंने चेक किया बकायदा और टीवी पर दिखाया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज अस्वस्थ है, 21 तारीख से पहले वो नहीं आ सकते, और संत रामपाल जी महाराज की मैं स्वस्थ होकर के मैं कोर्ट में पेशूंगा, वो भी कानून की पूरी तरीके से पालना करते हैं और अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा देते हैं, कभी उन्होंने गलत चीज नहीं सिखाई, हमको बुराइयों से दूर कर दिया, मांस तंबाकू बीड़ी सिगरेट, अरे एक अच्छा समाज बना रहे हैं वो। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे भैया बेटी पढ़ाओ बेटी ऐसे नहीं बचेगी, बेटी बचेगी सच्चे ज्ञान से, जब ज्ञान जीव को होगा तब वो बुरे कर्म से छूटेगा। अब कैसी बातें कर रहे हो? बरवाला कांड के अंदर हम लोग सिर्फ भक्ति भाव से सत्संग सुनने आए हुए थे, फोर्स ने चारों तरफ से पूरे आश्रम को घेर लिया, अरे हम बैठे हुए भक्ति भाव से हम पे अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हमें तो जब प्रताप लगा हमारे ऊपर गिर रहे हैं, वो इतना भयंकर जहरीली गैस इसको हमने आज तक कभी सूंघा नहीं, वो इतनी भयंकर, जब उनको जब वो आंसू गैस की गोलों को देखा गया वो एक्सपायरी डेट के थे, वो सारे एक्सपायरी डेट के। अरे भैया जब कोई मेडिकल की दुकान से अगर कोई हम दवा ले आते हैं वो एक्सपायरी डेट की होती है तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता, पता नहीं क्या क्या बीमारी बन जाती उससे, अरे वो आंसू गैस के गोले इतने भयंकर उनकी बदबू, उनसे हमारे माइया और भगत को एक्सपायर हो गए उनमें से, और वो रिपोर्ट भी जो रिपोर्ट आई है उनमें साफ लिखा है कि जहरीले गैस जो धुआं निकला था बोला उस धुएं से उनकी दम घुटने से मौत हुई है, और वो केस भी हमारे गुरुजी पर डाल दिया। तो ये सरकार चाहती क्या है? सच को सामने आना पड़ेगा, इस सच को सामने लाना पड़ेगा, और इसलिए हम संघर्ष के रूप में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चाहे इसको काले आज 14 नवंबर 2014 में जो आज 18 तारीख को जो ये दिवस हम मना रहे हैं आज रोहतक के अंदर, तो ये इसको आप काला दिवस कहेंगे, हम काला दिवस के साथ हमारे रोष रैली कह लो इसको, हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था अब उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे इस न्याय से, इस हरियाणा सरकार से, और हम जज प्रशासन से भी ये डिमांड करते हैं कि हमारे सभी केसों की सीबीआई जांच करो और सच्चे जो सच है ना उसको पूरी जनता के सामने दिखाओ ना। अरे राम रहीम जी निर्दोष दोषी साबित हो गए, उनको सजा हो गई, आज उनके सारे आश्रम खोल दिए, अरे संत रामपाल जी महाराज 2 केसों में बरी भी हो गए, और उनका तो कोई भी तुमने आज तक का डेट है किसी भी केस में तुमने कोई सबूत पेश नहीं किया, हरियाणा सरकार कर क्या रही है जी? ये दादागिरी नहीं चलेगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आज ये रोष रैली है, ये काला दिवस है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस सरकार को न्याय करना पड़ेगा वरना ये ठीक नहीं है इनके लिए। संत रामपाल जी महाराज ने हमें सच्चा ज्ञान दिया है, हाथ जोड़ करके हम 3 साल से इसी चीज की मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया था हमने जनता मंदिर पर, 776 दिन से वहाँ बैठे रहे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, आज तक हम ये इस न्याय व्यवस्था है ना सर, ये चरमरा गई है पूरी तरीके से, कहीं इसमें न्याय नाम की चीज हमें तो नहीं देखती, क्योंकि हमें आज तक न्याय नहीं मिला, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि हमें न्याय मिले, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें अपना रूप दिखाना पड़ेगा जो हमारे ज्ञान से विपरीत है, और हम हाथ जोड़ते हैं इनसे कि हमें भगत बने रहने दो, हमें जगत ना बनाओ। सर अभी देखिए हम डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को, ये राष्ट्रपति जी हमको उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा, उनके थ्रू जाएगा, हम आज ये रोष रैली के लोग काला दिवस मना रहे हैं हम रोहतक के अंदर, तो हमारी ये मांग वहां तक पहुंचाई जाए, और टीवी के माध्यम से भी जो भगत भाई जो जगत सुनना है इस चीज को देख रहा है वो किस चीज का फैसला करे कि भाई संत रामपाल जी महाराज का दोष क्या है, कोई आज तक एक उंगली नहीं उठा सकता संत रामपाल जी महाराज पे, अगर वो इस ज्ञान को सुन लेगा समझ लेगा तो, वरना किसी के बारे में कुछ नहीं कहता रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 18 दिन हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और इससे ज्यादा हम क्या कहें,
अरे हमने किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, हम तो अपने घर में अपने मंदिर में बैठे हुए हैं। अब राम रहीम जी का केस ले लो, हमारे लिए वो दुश्मन नहीं है, हम ना हम उनके कोई वैरी, हमको उनके लिए हमारे दिल में कोई गलत भावना नहीं है। जो जिसने किया वैसा भोगेगा। राम रहीम जी के जब उनके साथ ऐसा हुआ, उनको जेल में डाल दिया गया, तो उनके अनुयायियों ने खूब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आम जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, और 38 व्यक्ति, शायद उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 38 लोगों की मृत्यु भी हो गई। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने किसके घर में आग लगाई, किसकी गाड़ी फूकी, किसके साथ दुर्व्यवहार किया? अरे हाथ जोड़कर बोलते हम, कोई हमें गाली भी देता है ना तो सहज बर्दाश्त करते, भाई कोई बात नहीं, नशे में ही होगा। पुलिस वाले हमें सार पे जाते तारीखों पे, अरे हमारे भाई 950 भाइयों को जेल में डाल रखा था, हम हमारा भाई बंद है उसमें बंद है, क्या हम मिलने नहीं जा सकते? वो तारीख पे आया हुआ तो हम जाएंगे नहीं साथ में? पुलिस वाले हमें डंडे मारते हैं, क्यों भाई मारते भाई? ये न्याय व्यवस्था इतनी खराब हुई पड़ी है, इसको सुधारना पड़ेगा। आम जनता रोडों पे आ जाएगी, ये ठीक नहीं होगा। इस हरियाणा सरकार को अभी भी समय समझ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देखो पाप का घड़ा ना धीरे धीरे बढ़ता है, जब फटता है ना तो दुर्गति होती है। अभी भी समय है हरियाणा सरकार के पास, इस बीजेपी सरकार के पास, अपने आप को बचा लो, वरना आने वाला समय ये इतिहास तो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये आज का दिन इतिहास में काले दिवस के नाम से लिख दिया गया है, ये इतिहास में आगे भी बोला जाएगा। तो भाई 18 नवंबर 2014 का ये दिन है, काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा, करेगा किसी दिन, देखिएगा आगे आने वाले समय में।